अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। एमटीएन इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके सामने यह रिकॉर्डिंग वाला MP3 लेकर आया हूँ। दोस्तों ये MP3 स्पेशल रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी HD क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। अब हम इसको मार्केट से अगर परचेज़ करने जाएँ तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हैं कि इस MP3 के अंदर 3 कनेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। ये सबसे कोने वाला जो है ये हमारे ऑडियो आउट का कनेक्टर है और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारा यहाँ पे हमने ऑडियो इन देनी है जो एम्पलीफायर से आती है और यहाँ पे हमने पावर देनी है। जबकि जो पुराने MP3 ब्लूटूथ वाले होते हैं उनमें सिर्फ एक ये वाला कनेक्टर होता है कोने वाला और एक ये वाला होता है, ये सेंटर वाला माइनस होता है। तो ये MP3 मार्केट से बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। तो बाकी आप इसका फ्रंट पे देख सकते हैं, ये बाकी देखने में बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम MP3 ब्लूटूथ वाले होते हैं। तो अब मैं इसको अपने सिस्टम में कनेक्ट करके आपको इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी सब चीज़ें मैं चेक करवाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं कि MP3 हमारा ऑन है और इसको मैंने AUX मोड पे सेट किया है। अब मैं अपने मोबाइल से फाइल प्ले करता हूँ। तारे के तारे अब फाइल प्ले हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें ये हमारा सेंटर वाला बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं 1 सेकंड प्रेस करके रखता हूँ कि रिकॉर्डिंग पे चला जाए। अब मैं आपको ये रिकॉर्डिंग प्ले करके दिखाता हूँ कि इसी तरह ही इसने रिकॉर्ड की जैसे हमने चलाई थी। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग प्ले करने की जगह पर ले आया हूँ। तो ये हमारा 2 से लेकर ये 3 नंबर का बटन जो है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगी। आप नोट कीजिएगा, तारों से मिला गए इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला गए। तो दोस्तों आपने नोट किया कि जिस तरह मैंने मोबाइल से फाइल प्ले की थी बिल्कुल इसी तरह इसने रिकॉर्डिंग की है। तो अब आखिरी में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसको हम अगर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करें और कोई नात वगैरह रिकॉर्ड करना चाहें तो वो भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास हमारे सिस्टम की पिन है। तो मैं ऑक्स को यहाँ से निकाल देता हूँ और अपने इस सिस्टम की पिन को इसके ऑक्स के पॉइंट के अंदर लगा देता हूँ। ये AUX मोड, हमारा सिस्टम इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके साथ अपना माइक लगाते हैं और रिकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ अपना माइक लगा दिया और पीछे हमारा इको भी चल रहा है। अब हम उसी 3 नंबर वाले बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। अब ये रिकॉर्डिंग पे आ चुका है तो मैं कोई नाद का एक मिसरा पढ़ के आपको चेक करवाता हूँ। नन्हे कलब पर जो जिक्र रहे तो इस रिकॉर्डिंग को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि इसने किस तरह की रिकॉर्डिंग की। लीजिए दोस्तों, अब जो रिकॉर्डिंग मैंने आपके सामने नाद की रिकॉर्डिंग की थी ये वो रिकॉर्डिंग है। आप सुन के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ये रिकॉर्डिंग भी आ चुका है तो मैं कोई नाद का एक मिसरा पढ़ के आपको चेक करवाता हूँ। ननी कलब पर जो जिक्र रहे मिसाल आया कमाल आया। दोस्तों ये जो MP3 है ये हमारे नात खान हजरत भाई हैं और जो पुराने पाक की तिलावत करना चाहते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ये MP3 उनके लिए बेस्ट है। ये किसी भी साउंड सिस्टम के साथ, ये यूनिवर्सल होता है, किसी भी स्पीकर के साथ, किसी भी मिक्सर के साथ ये लग सकता है। बस इसकी जो कनेक्टर की सेटिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी। बाकी ये रिकॉर्डिंग आपके सामने है, HD क्वालिटी है और ये MP3 प्योर MP3 फाइल बनाता है, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग हर जगह, हर मोबाइल में, हर सेटिंग में इसकी फाइल चलती है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग डिवाइस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।